विश्व विकलांगता दिवस पर रामपुर के सत्यनारायण मंदिर परिसर में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी की उपाध्यक्ष साधना ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। समारोह में पहले कोशिश एक आशा विशेष स्कूल के बच्चों ने रामपुर बाजार में रैली निकाली। रैली के बाद समारोह के दौरान बच्चों ने विभिन्न प्रस्तुतियों से अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया। विश्व विकलांगता दिवस पर रामपुर के सत्यनारायण मंदिर परिसर में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हिमाचल रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी साधना ठाकुर उपस्थित हुई। समारोह से पहले कोशिश एक आशा विशेष स्कूल के बच्चों रामपुर बाजार में रैली निकाली। रैली के बाद समारोह के दौरान विशेष बच्चों ने विभिन्न प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। मुख्य अतिथि डॉक्टर साधना ठाकुर ने अपने संबोधन में बताया कि आज भागदौड़ वाले जीवन में हर आदमी आगे निकलने की होड़ में है और उसका लक्ष्य पैसा कमाना है, लेकिन हम कभी गहराई से अपने समाज के बारे में नहीं सोचते। इसलिए हमारा आगे बढ़ने का मकसद तभी पूरा होगा जब हम साथ वाले या बेसहारा को भी अपने साथ जोड़कर मुख्य धारा में लाएं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि समाज में सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अध्यक्ष कोशिश एक आशा स्वाति वंसल ने बताया कि उनकी संस्था विशेष बच्चों को शिक्षा दे रही है, बच्चों में उत्साह और आगे बढ़ने की लालसा हो, इसे देखते हुए आज यहां साधना ठाकुर को आमंत्रित किया गया ताकि उनके मार्गदर्शन से विशेष बच्चों में उत्साह बढ़े। विकलांगता दिवस को मनाया जाता है, हमारी संस्था के द्वारा भी ये आयोजन किया गया था, क्योंकि जीवन की मुख्य धारा में हम अपने सभी बच्चों को लाना चाहते हैं और इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। आज हमारी मुख्य अतिथि महोदया थी डॉक्टर साधना, और वो खुद भी एक डॉक्टर हैं और इसीलिए हमने उनको बुलाया था ताकि वो इन बच्चों की स्थिति को अच्छे से समझ सकें और मुख्यमंत्री साहब के सामने भी हमारी बात को रख सकें, क्योंकि जो हमारा रिहायशी स्कूल बनाने का काम भी चल रहा है उसका प्रोसीजर काफ़ी टाइम से ठंडे बस्ते में है और हम चाहते हैं कि इन बच्चों का रिहायशी स्कूल जल्द से जल्द बने ताकि हम अधिक संख्या में बच्चों को और अपनी सर्विसेज दे सकें। कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।